फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी। तो ठीक है, सभी का नमस्कार, सभी को नमस्ते, आप सबका स्वागत है इस सत्र में। कल हम लोगों ने एक्सरसाइज एक के स्टेप वन पर बात शुरू की थी, परसों ही शुरू किया था, उसके कुछ बहुत सारी बैकग्राउंड की चर्चा भी किया था हम लोगों ने, उसको मैं बहुत रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन बहुत ब्रीफली ये मेंशन कर दूंगा कि हम लोगों ने जब ये एक्सरसाइज शुरू किया था तो इस आशय से शुरू किया था कि हम सब सुखी होना चाहते हैं, निरंतर सुखी होना चाहते हैं, और उस निरंतर सुखी होने के अर्थ में ही हम ये सारा एक्सरसाइज कर रहे हैं। ये भी कहा था कि निरंतर सुखी होने के लिए जरूरी है कि हमको अपने में सही समझ आ जाए, सही भाव आ जाए, सही विचार होने लगे, तो हम अपने में संगीत में रहते हैं, सुखी रहते हैं। इसलिए हमको अपने को समझना है, अपने में चीजों को समझना है ना, तो अपने में अपने को भी समझना है, पूरे अस्तित्व को भी समझना है, क्योंकि जितना हमारा जीने का फैलाव है उन सबको समझना जरूरी है, उन सबके साथ सही भाव विचार को सुनिश्चित करना जरूरी है, तभी हम अपने में सुखी हो पाएंगे, परस्परता में भी हम दूसरों को सुखी कर पाएंगे। तो इसलिए अपने सुखी होने के लिए, निरंतर सुखी होने के लिए, और दूसरों को भी परस्परता में सुखी करने के लिए इस एक्सरसाइज को हम लोग कर रहे हैं। तो क्या करना है एक्सरसाइज में अगर देखने जाएं, तो मुख्य बात तो यह है कि अगर हम ठीक ठीक जीना चाहते हैं किसी भी चीज के साथ, तो उसमें जरूरी है कि हम उसको समझ सकें, और जब समझने जाते हैं तो समझने के लिए उस वस्तु को देख सकें, उस रियलिटी को देख सकें, ऑब्जर्व कर सकें, और ऑब्जर्व करने के लिए जरूरी है कि हम उस पर ध्यान दे सकें, अटेंशन पे कर सकें। तो चार बातें कही, एक तो हम निरंतर सुखपूर्वक जीना चाहते हैं, वैसा जीने के लिए पूरे अस्तित्व को समझना चाहते हैं, वैसा समझने के लिए हम उस अस्तित्व को देखना चाहते हैं, अपने को भी, शरीर को भी, परिवार को भी, सबको देखना चाहते हैं, प्रकृति को भी, ताकि हम उसको समझ सकें, और देखने के लिए हम उस पर ध्यान देना चाहते हैं। तो ध्यान देने से शुरू करेंगे, ध्यान देकर देखेंगे, देखकर समझेंगे, समझकर उसके साथ ठीक ठीक जी पाएंगे। ऐसा चार स्टेप हम लोग कर पाएंगे अगर हम पहले स्टेप को ठीक से कर सके। ठीक है, तो यहां से शुरू किया था कि ध्यान देना है, और ध्यान देने की वस्तु क्या है, किन रियलिटी पर ध्यान देना है, तो पूरे एग्जिस्टेंस पर ध्यान देना है, क्योंकि हमारा जीना पूरा एग्जिस्टेंस से जुड़ा हुआ है, भले हमको होश हो चाहे ना हो, तो पूरे एग्जिस्टेंस पर ध्यान देना है, ताकि पूरे एग्जिस्टेंस को हम देख सकें, उसको समझ सकें, और उसके साथ कैसे जीना है उसको तय कर सकें। तो पहले जगह से शुरू किया था हम लोगों ने कि देखना है, देखने का वस्तु कितना है उसको पहचानने गए, ऑब्जेक्ट ऑफ अटेंशन कितना होगा और प्रोसेस ऑफ अटेंशन कितना हो क्या होगा। तो देखने का टोटल वस्तु तो एग्जिस्टेंस है और एग्जिस्टेंस को देखने जाए तो तीन तरह की चीजें उसमें दिखाई पड़ती हैं। एक तो चैतन्य इकाइयां दिखाई पड़ती हैं, सेल्फ दिखाई पड़ता है, मैं दिखाई पड़ता है ना। दूसरा जड़ इकाइयां दिखाई पड़ती हैं, उसमें एक उदाहरण के रूप में शरीर दिखाई पड़ता है, और तीसरा ये पूरा सहस्तित्व दिखाई पड़ता है, और सहस्तित्व में भी देखेंगे तो जड़ चैतन्य इकाई के अलावा जो है स्पेस दिखाई पड़ता है, शून्य दिखाई पड़ता है। इन सब चीजों को हमको देखना है, समझना है, ताकि इनके साथ हम ठीक से जी सकें, और देखना है तो इन पर ध्यान देना है। तो इतना ध्यान देने का वस्तु है कॉन्शियसनेस यूनिट, मेटेरियल यूनिट एंड कोएग्जिस्टेंस। कोएग्जिस्टेंस में देखेंगे तो स्पेस। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्शियसनेस यूनिट, द मेटेरियल यूनिट एंड द कोएग्जिस्टेंस। तो इतने को समझने का काम हमको करना है, और समझने के लिए इन पर ध्यान देना है। तो इसी के तहत हम लोगों ने कहा कि तीन एक्सरसाइज हम लोग करेंगे। एक में पहले सेल्फ पर ध्यान देंगे, दूसरे एक्सरसाइज में बॉडी पर, मेटेरियल वर्ल्ड पर ध्यान देंगे, और तीसरे एक्सरसाइज में पूरे अस्तित्व पर, अस्तित्व पर ध्यान देंगे, और खास करके व्यापक पर ध्यान देंगे। इंग्लिश में देंगे। सो वी विल फोकस आवर अटेंशन ऑन दिस थ्री थिंग्स। वी विल ट्राई टू ऑब्जर्व द कॉन्शियसनेस यूनिट, द मेटेरियल यूनिट एंड द कोएग्जिस्टेंस। In exercise one, we will try to observe, try to see by paying attention to the self, to the consciousness. In exercise two, we'll pay attention to the material world, particularly to the body, our interaction with the body. And in exercise three, we'll pay attention to
एग्जिस्टेंस, द को एग्जिस्टेंस एंड पार्टिकुलरली द स्पेस. वी विल लार्जली फोकस ऑन एक्सरसाइज वन एंड एक्सरसाइज टू. इन दोनों पर हम लोग फोकस करेंगे. एक्सरसाइज वन में स्वयं के द्वारा स्वयं को देखने का काम करेंगे. एक्सरसाइज टू में स्वयं के द्वारा शरीर को देखने का काम करेंगे. एक्सरसाइज थ्री में स्वयं के द्वारा पूरे अस्तित्व को देखने का काम करेंगे और उसमें भी खास करके व्यापक वस्तु को देखने का काम करेंगे. इतना काम हम लोग करने वाले हैं. उसमें से पहले एक्सरसाइज पर हम लोगों ने काम शुरू किया था, स्वयं के द्वारा स्वयं को देखने का काम शुरू किया था. इसमें ये बात तो स्पष्ट है कि देखने वाला मैं स्वयं हूँ, इसलिए स्वयं से शुरू करना ज्यादा ठीक है. स्वयं के द्वारा स्वयं को देखने का काम कल हम लोगों ने परसों शुरू किया था और उसके बारे हम लोगों ने ये कहा था कि इस काम को हम लोग 7 स्टेप में कर सकते हैं. 7 स्टेप में कर सकते हैं. ये भी कहा था कि जब हम स्वयं के द्वारा स्वयं को देखने जा रहे हैं तो क्या देखेंगे. तो ये कहा कि हम अपनी कल्पनाशीलता को देखने से शुरू करेंगे. हम सब में कल्पनाशीलता चली रही है सेल्फ के लेवल पर, ठीक है ना. अभी ध्यान नहीं दिया सर, अभी ध्यान देंगे तो दिखाई पड़ता है कि कोई ना कोई भाव हमारे में बना हुआ है, कोई ना कोई विचार हमारे में चल रहा है, कोई ना कोई आशा बाहर से हमारी बनी हुई है. ये सब को जोड़कर हम नाम दिए हैं कल्पनाशीलता. तो ये जो कल्पना हम चलाते रहते हैं एक के बाद एक, सभी चला रहे हैं, हम भी चला रहे हैं, आप भी चला रहे हैं, है ना. उसमें देखेंगे तो उसमें कोई ना कोई इच्छा है, उसके साथ कोई ना कोई विचार है, उसके साथ कुछ ना कुछ बाहर की आशा है. ये सब जुड़ी हुई है, एक बंगला बने न्यारा. तो ये जो आपका चल रहा है कल्पनाशीलता, उसमें इच्छा भी है घर का मालिक होने की, घर कैसे बनाएंगे उसका विस्तार भी है, उसके लिए बाहर ईंटा पत्थर जुगाड़ करेंगे वो अब आशा भी है. ये सब जुड़ा हुआ रहता है. अभी इनको देखने का काम शुरू करेंगे. इसको देखने का काम जब शुरू करते हैं तो स्टेप वन का काम जो है बहुत सिंपल है, सरल है. इसके बारे में हम लोगों ने कल परसों बात किया था और उस पर काम शुरू किया था. तो स्टेप वन में यह है कि जो भी कल्पनाशीलता में चल रहा है, जो भी इच्छा विचार आशा है, जो भी भाव विचार है, उसके प्रति होश में आना है, उसके प्रति सजग रहना है, उसके प्रति जागरूक रहना है, उसके प्रति अवेयर रहना है, उसके प्रति अटेंटिव रहना है, उसके प्रति माइंडफुल रहना है, जो भी नाम देना चाहिए. आप लोग बैठो ना, काम करना है जी. आप लोग बैठो, चला जाएगा, न्यूज़पेपर लेने आया, पढ़ने जाएगा. गोपाल जी आपका माइक ऑन हो गया है गलती से. तो ये काम हम लोग करेंगे और इसमें ये बात कहा कि सिर्फ ध्यान देकर देखेंगे कि क्या चल रहा है कल्पनाशीलता में. इच्छन जो भी चल रहा है उसको देखेंगे और उस पर कोई रिएक्ट नहीं करेंगे, कोई रिएक्ट नहीं करेंगे. तो इसको जब हम लोग करने जाते हैं, और कल से परसों आप लोगों ने काम शुरू किया ही है, आज सुबह कई लोगों का एक्सपीरियंस हम लोगों ने सुना, अंग्रेजी वाले में तो सुना था, अभी हिंदी वाले में भी सुन लेंगे. तो ये सुनते हैं तो पता चलता है कि कई सारी कठिनाई आ रही है इसमें. काम तो बहुत सिंपल है कि जो भी कल्पनाशीलता में चल रहा है उसको देखना है, जो भी भाव विचार है उसको देखना है, काम इतना ही है. और देखने की क्षमता हमारे में है ही, तो सिर्फ ध्यान देने की बात है, निर्णय लेने की बात है कि भी हमको देखना है. निर्णय लेते हैं, ध्यान देते हैं तो हम देख पाते हैं. इस दृष्टि से बहुत सिंपल है ये बात. एक्सरसाइज वन जो है बहुत सिंपल है क्योंकि ध्यान देने की क्षमता हमारे में पहले से ही है. अभी ध्यान देने का हमने निर्णय ले लिया और कल्पनाशीलता तो चली रही है, तो ये तीनों का योगफल बहुत आसानी से हो सकता है, हो भी जाता है. देखते हैं तो दिखाई पड़ने लगता है, लेकिन कई सारी कठिनाइयां आती हैं. उन कठिनाइयों को अगर देखेंगे आप, तो एक बड़ी कठिनाई ये आती है कि बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि भाई हम जा रहे देखना चाहते हैं तो ध्यान कहीं और चला जाता है. तो ठीक बात है, ध्यान कहीं और चला जाता है.
क्यों जाता है इसको समझेंगे तो पता लगता है कि हमारा ध्यान उन चीजों पर जाता है जिनको हमने महत्वपूर्ण मान रखा। तो अभी तक बाहर की चीजों को महत्वपूर्ण माना था तो बाहर ध्यान जाता है, मैं महत्वपूर्ण ऐसा दिखा नहीं था इसलिए अपने पर ध्यान नहीं जाता था। तो शरीर महत्वपूर्ण है तो शरीर पर ध्यान जाता है कि शरीर ठीक ठाक है कि नहीं, है ना, बाल ठीक बने हुए है कि नहीं, फेस ग्लो कर रहा है कि नहीं, ये सब पर ध्यान जाता है। संवेदना महत्वपूर्ण है तो संवेदना पर ध्यान जाता है, कार महत्वपूर्ण है तो कार पर ध्यान जाता है, जिन चीजों को हमने महत्वपूर्ण मान रखा है उन पर ध्यान जाता है। सेल्फ को महत्वपूर्ण नहीं माना था इसलिए उस पर ध्यान नहीं जाता था, अभी उसका महत्व को पहचानने लग जाएंगे तो उस पर ध्यान जाने लगेगा। उसमें जो कल्पनाशीलता चल रही है वो महत्वपूर्ण है ये पहचान में आ जाएगा तो उस पर ध्यान जाने लगेगा। तो इसलिए कोई हड़बड़ी करने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपने पर ध्यान देने का काम शुरू किए हैं और आपका ध्यान बार बार हट जाता है तो हट जाने दें, ये भी देख लें कि कहाँ गया, जहाँ गया वो वही जगह है जिसको मैंने महत्वपूर्ण मान रखा है, तो एक तरह से ये भी आपके ध्यान में आ जाएगा। तो एक बार देख लें, बट वहाँ बने रहें नहीं, आप अपने निर्णय पर बने रहें कि भाई हमको अपने कल्पना चिंता को देखना है, तो अपने आप ही लौट आएगा आपका ध्यान अपने पर। तो इस ध्यान के साथ कोई खींचातानी नहीं करनी है कि उसको जबरदस्ती लौटा कर लाना है, ऐसा कुछ नहीं करना है। जहां चला गया देख लिया, यहाँ चला गया पता भी चल जाएगा कि इन्हीं चीजों को हमने महत्वपूर्ण मान रखा है इसलिए इस पर ध्यान जा रहा है। और आप अपना निर्णय बनाए रखें कि भाई हमको तो अपने पर ध्यान देना है, अपनी कल्पना चिंता पर ध्यान देना है, तो आपका ध्यान वापस लौट आएगा। ठीक है, तो कोई रिएक्शन नहीं करना है, सिर्फ ध्यान देने का निर्णय करना है, ध्यान देना है, देखना है। इस बीच में अगर ध्यान कहीं हट जाए कोई बात नहीं, उस पर कोई रिएक्शन नहीं करना है, इतना देख लेना है कि इसको हमने महत्वपूर्ण मान रखा था इसलिए इस पर ध्यान गया है, लेकिन अभी तो हमको अपने को देखना है, इस निर्णय को बनाए रखेंगे तो ये लौट आएगा ध्यान अपने आप। तो ऐसे बहुत सारी चीजें आपको स्टेप वन में बाधा के रूप में दिखाई पड़ेंगी, बट उससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है, कोई रिएक्शन करने की जरूरत नहीं है, उस पर काम जारी रखने की जरूरत है। एक दूसरी महत्वपूर्ण बात जो बार बार ध्यान में आती है वो यह है कि हमको शरीर में दर्द होने लगा, है ना, ब्रेन में पेन हो रहा है, थक गया है, मेदर से एग्जॉस्ट हो गया है, या आंखों में दर्द हो रही है, इस तरह की भी बहुत लोगों को शिकायत आएगी। उसका मतलब मैं स्पष्ट कर देता हूँ ताकि आप उसको देख पाएंगे। अभी क्या है कि हम हर बार शरीर के माध्यम से देखने के अभ्यस्त हो गए, कम से कम मान्यता बन गई कि देखने का काम तो आंख से ही होगा, तो हम बार बार आंख को इन्वॉल्व करते हैं जब इमेजिनेशन को देखने जा रहे हैं। उसकी जरूरत नहीं है, हम लोगों ने कहा था कि शरीर की जरूरत नहीं, अभी आंख की जरूरत नहीं है देखने के लिए, तो ये दोनों को आराम दे दें, आप अपने काम में लगे रहें, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं आप अपने को, अपनी कल्पना चिंता को, अपने भाव विचार करें। लेकिन अभी क्या है कि हमारा बहुत अभ्यास है शरीर के साथ, और इसलिए हम कुछ भी मैं के लेवल पर करते हैं, सेल्फ के लेवल पर करते हैं, तो उसका इंस्ट्रक्शन शरीर को भेजने लग जाते हैं जिसकी जरूरत नहीं है। ऐसा जो हम भेजते रहते हैं उसके कारण ब्रेन थकता है। ये जो आंख को फोकस करते हैं अपनी कल्पना चिंता को देखने के लिए जिसकी कोई जरूरत नहीं है, इसलिए आंखों में भी दर्द होता है, तो इनको तो आराम ही करने दीजिए तो ज्यादा अच्छा। कई लोगों की यह भी कठिनाई दिखाई पड़ती है कि हम विचार को तो देख पा रहे हैं लेकिन भाव को नहीं देख पा रहे हैं, इच्छा को नहीं देख पा रहे हैं। ठीक, तो इस कठिनाई को अगर देखेंगे तो उसका मतलब ये निकलता है कि अभी तक हमारा एक तो अपने पर ध्यान देने का अभ्यास ही नहीं था, ठीक, इसलिए अपने पर ध्यान गया नहीं, इसलिए अपने को देखा नहीं। दूसरा है कि जब ध्यान देना शुरू करते हैं तो जो ऐसे विचार हैं जो बड़े उथल पुथल वाले हैं, बहुत ग्रॉस हैं, स्थूल हैं, वो दिखाई पड़ते हैं। विचार भी जब शांत विचार चल रहा होता है तो हमको लगता है कि कोई विचार नहीं चल रहा, तो ऐसा नहीं है कि विचार नहीं चल रहा है, विचार है, शांत है, है ना, शांति का पूर्ण विचार है, इसलिए उथल पुथल नहीं है। तो अब क्या करें, तो हमारे देखने की जो सूक्ष्मता है वो बढ़नी चाहिए, सटलिटी बढ़नी चाहिए।
अभी बहुत ग्रॉस चीजों को देख देख कर हम बाहर इतने अभ्यस्त हो गए हैं कि सूक्ष्म चीजों को देख नहीं पाते, जबकि हमको सटल को देखने की कैपेसिटी हमारे में है ही। अब उसको थोड़ा डेवलप कर लेना है, शार्पन कर लेना है, ठीक है। तो आप ध्यान देते रहेंगे तो पहले ग्रॉस थॉट दिखेंगे, फिर धीरे धीरे आपको सटल थॉट्स दिखने लगेंगे, पीसफुल थॉट्स दिखने लगेंगे, पीसफुल एंड हार्मोनियस थॉट्स दिखने लगेंगे, और आगे काम करेंगे तो उसके पीछे जो इच्छा है, जो भाव है, वो दिखने लगेगा। ये भाव भाव को देख लेना जरूरी है, इच्छा को देख लेना जरूरी है, क्योंकि आगे चलकर हम लोग उसी का मूल्यांकन करेंगे। भाव का मूल्यांकन करना सबसे आसान है, इच्छा का मूल्यांकन करना आसान है। जब वो विचार में फैल जाता है तो उस विचार में दोनों तरह के इनपुट हैं, अपने इच्छा का भी, अपने समय मतलब जो भागीदारी का भी, और बाहर का जो प्रभाव है उसका भी। तो थॉट के लेवल पर सॉर्ट आउट करना रिलेटिवली मुश्किल हो जाता है, इसलिए इच्छा को देखना, भाव को देखना जरूरी है। उसको देखा जा सकता है, थोड़ा समय लगेगा, है ना। आप थॉट से ही शुरू कर दीजिए, थॉट्स के बाद ये एनालिसिस करके देख लीजिए कि उसके बैकग्राउंड में कोई फीलिंग तो थी ही, कोई भाव तो था ही, तो आगे से वो आपके ध्यान में रहेगा कि ये भाव है जिसको हम सीधा सीधा देखें। तो ये तीसरी बात थी। ऐसे बहुत सारी बातें हैं एक्सरसाइज वन स्टेप वन के बारे में, जो आप जैसे जैसे उसका अभ्यास करेंगे, आपको प्रश्न के रूप में आएगा या अपने में दिखेगा, तो एक उत्सव के रूप में आएगा कि भाई हमको ये बात दिख गई। तो उसको जारी रखेंगे, धीरे धीरे हम लोग स्टेप्स पर जो भी प्रश्न आएंगे उनको टेकअप करेंगे, उसको जो हिंट चाहिए वो हम लोग देने की कोशिश करेंगे, ताकि आपका देखने का काम शुरू हो। तो ये हमारा काम था जो अभी तक हम लोगों ने किया है। इसमें एक बात बहुत महत्वपूर्ण ये आई है बार बार, कि जब भी देख रहे हैं तो सिर्फ उसके प्रति अवेयर होने का काम कर रहे हैं स्टेप वन में, उसका इवेल्युएशन नहीं कर रहे हैं, उस पर कोई रिएक्शन नहीं कर रहे। ये क्लियर है। अब हम लोग ये कह रहे हैं कि शुरू में ये काम किया हमने कि देखा कल्पना चिंता को, उसमें जो भाव है, उसमें जो विचार है, उसको देखा, कोई प्रतिक्रिया नहीं की। ये काम जितना जितना स्थिर होने लगता है उतना उतना हम स्टेप दो पर काम शुरू कर सकते हैं, और स्टेप दो में जो काम कर रहे हैं वो इतना है कि अब जो भाव हमारे में है, जो इच्छा है, उसको हम जांच परख कर रहे हैं, उसका मूल्यांकन कर रहे हैं। क्या मूल्यांकन कर रहे हैं? हम अपने से पूछ रहे हैं कि ये जो भाव हमारे में इस क्षण है, ये भाव हमको सहज स्वीकार है कि नहीं है। तो अगर हमारे में स्नेह का भाव है तो स्नेह का भाव हमको सहज स्वीकार है कि नहीं, अगर हमारे में द्वेष का भाव है तो द्वेष का भाव हमको सहज स्वीकार है कि नहीं, अगर हमारे में विरोध का भाव है तो विरोध का भाव सहज स्वीकार है कि नहीं। एक तो ये प्रश्न पूछना है, ठीक। दूसरा ये पूछना है कि मानवीय स्वभाव के अनुकूल है कि नहीं, और तीसरा ये प्रश्न पूछना है कि हम इस भाव की कंटिन्यूटी चाहते हैं कि नहीं, निरंतरता चाहते हैं कि नहीं। तो ये प्रश्न अब हम पूछना शुरू करेंगे कि इस क्षण मेरे में जो भाव चल रहा है, जो इच्छा चल रही है, वो हमको सहज स्वीकार है कि नहीं, वो मानवीय स्वभाव के अनुकूल है कि नहीं, और इस भाव की मैं निरंतरता चाहता हूं कि नहीं। तो जो उदाहरण अभी हम लोगों ने अंग्रेजी में लिया था उसको मैं हिंदी में रिपीट कर देता हूं कि अगर कोई व्यक्ति हमारे में, हमारे ऊपर चिल्ला रहा है, शाउट कर रहा है, ठीक, और उसके कारण हमको गुस्सा आ गया है, ठीक, उसको अगर ध्यान से देखेंगे तो हमारे में जो गुस्सा का विचार चल रहा है वो देख पाएंगे। उसको ध्यान देंगे तो उसके बेस में कहीं ना कहीं फीलिंग ऑफ अपोजिशन आ गई है। अब इस फीलिंग को देखते हैं, ये फीलिंग जो है वो हमको नेचुरली एक्सेप्टेबल है कि नहीं, विरोध का भाव, अपोजिशन की फीलिंग हमको सहज स्वीकार है कि नहीं है, इसको जांच ले।
ये मानवीय स्वभाव के अनुकूल है कि नहीं है। तो विरोध के भाव से जीना या संबंध के भाव से जीना क्या मानवीय स्वभाव के अनुकूल, इसको जांच लें। और फिर ये पूछ लें कि ये जो विरोध का भाव हमारे में आ गया है, इस भाव का हम कंटिन्यूटी चाहते हैं कि नहीं चाहते। ये बहुत सिंपल प्रश्न है लेकिन बहुत इफेक्टिव प्रश्न है ये तीसरा वाला जो है। तो ये जो तीन प्रश्न अपने से पूछ रहे हैं, इसमें जो पहला वाला है जो तीसरा वाला है ये बहुत अप्रोप्रिएट है, उसको मैं और थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो पहले में ये पूछ रहे हैं कि ये जो विरोध का भाव हमारे में आया ये हमको सहज स्वीकार है कि नहीं। इसी तरह से अगर स्नेह का भाव आ रहा है तो ये सहज स्वीकार है कि नहीं। और दूसरा या तीसरे नंबर पे जो कह रहे हैं कि इन भाव की मैं कंटिन्यूटी चाहता हूं कि नहीं। तो अगर मेरे में विरोध का भाव आया है तो हम उसकी कंटिन्यूटी चाहते हैं कि नहीं चाहते, या किसी ना किसी बाध्यता बस अभी हमने अपने में उसको स्वीकार लिया है बट मैं उससे कंफर्टेबल नहीं हूं। तो इस काम को करना है। और फिर से मैं वार्न कर दूं कि जब इस काम को कर रहे हैं तो कोई रिएक्शन नहीं करना है। तो स्टेप वन में अवेयर होने का काम कर रहे थे बिना कोई रिएक्शन के, स्टेप टू में अवेयर भी हो रहे हैं, उसका इवैल्यूएशन भी कर रहे हैं लेकिन रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। तो इस काम को हम लोग को करना है कि हर क्षण जो फीलिंग है उसको देखना है, जो भाव है उसको देखना है, ठीक है, उस पर कोई रिएक्ट नहीं करना है। स्टेप वन में इस पर जितनी स्थिरता बनती जाए, अब स्टेप टू में उस भाव को जो अभी हमने देखा उसका मूल्यांकन करना है कि ये हमारे लिए सहज है कि असहज है ना, हम इसकी निरंतरता चाहते हैं या नहीं चाहते। तो इस एक्सरसाइज टू को हम लोग, एक्सरसाइज वन के स्टेप टू को हम लोग अभी से लेकर कल सुबह तक इस पर काम करेंगे, ठीक है। तो इस काम को कल करेंगे, लेकिन मैं इसमें जरूर ये बात ध्यान दिला दूंगा कि एक्सरसाइज वन के स्टेप टू पर जब आपने काम शुरू किया और आप अंदर परेशान होने लगे, जैसा आज किसी पार्टिसिपेंट ने बताया था कि कल से जब हम देखना शुरू किए अपने को तो अपने में बड़ा डिप्रेशन सा महसूस हो रहा है क्योंकि हमको लग रहा है कि ज्यादातर चीजें तो हमारे में गलत चल रही हैं। तो ये अलार्म है कि भाई अगर ऐसा हमको दिख रहा है, फीलिंग को हमने देखा और इवैल्यूएट किया और वो फीलिंग ठीक नहीं है, सहज नहीं है, सुखद नहीं है, दिख गया तो क्या करें, ठीक, और हट भी नहीं रही है, तो इतना ही करें कि आप प्रतिक्रिया ना करें, आप उसको देख लें, उसका मूल्यांकन भी कर लें, प्रतिक्रिया ना करें। अगर प्रतिक्रिया में परेशानी हो रही है कि फिर भी कुछ प्रतिक्रिया हो जा रही है, ठीक है, तो इस बात पर आ जाएं लौट कर कि अब हमको एक्सरसाइज वन पे ही काम करना है। एक्सरसाइज टू सॉरी स्टेप वन पे ही काम करना है, अभी हमको काम करने की जरूरत है। एक स्टेप वन पर ठीक से काम होगा तो स्टेप टू पे जा पाएंगे, नहीं तो ये बार बार ऐसा होगा कि हम उधर जाएंगे फिर लौट कर आएंगे। इसलिए स्टेप वन को फिक्स कर लें, हर क्षण अपने पर ध्यान बना रहे हैं, हर क्षण हम अपने प्रति अवेयर रहे, है ना, जो भी कल्पना चिंता चल रहा है वो सही हो चाहे गलत हो। तो ये काम हम लोग करेंगे। स्टेप वन में सिर्फ देखेंगे भाव को, विचार को, और कोई रिएक्शन नहीं करेंगे। स्टेप टू में भाव विचार को देखेंगे, वो सहज है कि नहीं इसको देखेंगे, सुखद है कि नहीं इसको देखेंगे, और उसकी कंटिन्यूटी हम चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। तो इतने काम को हम लोग अभी से लेकर कल सुबह तक करेंगे, कल सुबह फिर इस पर हम लोग चर्चा करके जो भी प्रश्न होंगे, जो भी क्लैरिफिकेशन होंगे उसको मैं रिस्पॉन्ड करूंगा।